आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस केस में स्वीट पी का हमें टेस्ट क्रॉस का रेशियो ये 1:7:7:1 का मिलेगा, जब एलील्स के दो पेयर यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं कर रहे हैं। तो स्वीट पी या लिथायरस ओडोरेटस का जो प्लांट होता है उसमें अगर इस तरह का हम टेस्ट क्रॉस कैरी आउट कर रहे हैं और यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी बात हो रही है, तो हम दो ट्रेड्स को चूज करेंगे। एक होता है इसमें फ्लावर कलर, जिसमें हम देखते हैं हमारा रिसेसिव ट्रेट हो जाता है रेड कलर का फ्लावर, जबकि ब्लू या पर्पल कलर का जो फ्लावर है ये हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप है। और दूसरा हम लेंगे यहाँ पर अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस में पोलन ग्रेन की शेप, जहाँ पर राउंड पोलन ग्रेन्स जो है रिसेसिव फिनोटाइप है और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स डोमिनेंट फिनोटाइप है। तो रिस्पेक्टिवली इन दोनों ट्रेड्स को हम बी और एल जीन से डिनोट करेंगे, जहाँ पे कैपिटल बी हमारी डोमिनेंट एलील, स्मॉल बी रिसेसिव, उसी तरह से कैपिटल एल डोमिनेंट, स्मॉल एल रिसेसिव। तो टेस्ट क्रॉस की यहाँ पे बात हो रही है। टेस्ट क्रॉस हम किस पे करते हैं? ये क्रॉस हम किसी हाइब्रिड के ऊपर कैरी आउट करते हैं, जहां पर हमें पता लगाना है कि इस हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार तो हेट्रोजाइगोट भी और डोमिनेंट होमोजाइगस भी एक ही तरह का फिनोटाइप शो करेगा डोमिनेंट टाइप का। तो अगर हमें किसी हाइब्रिड का जीनोटाइप पता लगाना है तो हम इसका क्रॉस इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ करवा देते हैं और हमको प्रोजेनी में जिस तरह का रेशियो देखने को मिलता है, जिस तरह के फिनोटाइप्स मिलते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि ये जो हमने हाइब्रिड लिया था इसका क्या जीनोटाइप रहा होगा। तो यहाँ पे हम हाइब्रिड लेंगे अपना एक पेरेंट तो जो दोनों ही जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस हो गया, और टेस्ट क्रॉस में दूसरा पेरेंट हमारा कौन सा होगा, क्योंकि हमको रिसेसिव लेना है इसीलिए दूसरा पेरेंट हो जाएगा ये जिसके पास बी और एल सारे के सारे छोटे हैं। तो यहाँ पर तो हमारे चार तरह के अलग अलग गैमेट्स बन सकते हैं क्योंकि दो जीन सेट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर एक ही तरह का गैमेट बनेगा जो कि हो जाएगा हमारा बी एल, दोनों ही छोटे। तो यहाँ पर देखते हैं पुनेट स्क्वायर बना के कि इसमें किस तरह के हमको प्रोजेनी मिल सकते हैं। ये चार तरह के गैमेट्स हमारे पास में पॉसिबल हैं। तो हमारे हाइब्रिड वाले पेरेंट के तो ये चार तरह के गैमेट हो गए, बाकी जो दूसरा था उसका एक ही तरह की पॉसिबिलिटी है। तो चार तरह के ही हमारे प्रोजेनी में जीनोटाइप अपीयर हो सकते हैं। ये कौन से होंगे आइए यहाँ पर देखते हैं इस गैमेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है कि बी के लिए ये हेट्रोजाइगस है, एल दोनों ही छोटे हो गए। फिर ऐसी कंडीशन आ रही है कि अगेन बी के लिए भी हेट्रोजाइगस और एल के लिए भी। फिर यहाँ पे हमें दोनों में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन मिल रही है, एंड यहाँ पर बी होमोजाइगस रिसेसिव है, एल हेट्रोजाइगस है। तो इन जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किस तरह का फिनोटाइप अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी मौजूद है तो फ्लावर तो ब्लू कलर का ही होगा लेकिन पोलन हमारा राउंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोनों ही फिनोटाइप डोमिनेंट होंगे, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन। इसके बाद यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव हो जाएंगे, रेड कलर का फ्लावर मिलेगा, राउंड पोलन मिलेगा, एंड अगेन एंड में हम देखेंगे कि फ्लावर तो रेड है लेकिन पोलन यहाँ पर लॉन्ग हो गया। तो रेशियो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ था इस टेस्ट क्रॉस का 1:7:7:1 का रेशियो हमें ऑब्टेन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें ये चारों ही बराबर बराबर मिल रहे हैं। तो बराबर ही हमको कब मिल सकते हैं, जब इन दोनों जीन्स के बीच में यानी बी और एल जो जीन्स हैं उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, तब तो इस पुनेट स्क्वायर में जैसा दिखाया हुआ है उसी तरह का रेशियो हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये शो नहीं कर रहे हैं और रेशियो हमें इस तरह का मिल रहा है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर फॉलो नहीं हो रही तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो दो जीन्स हम देख रहे हैं उनके बीच में लिंकेज है, और लिंकेज से होता क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो दोनों तरह की हमें कंडीशन मिलती है। कुछ हमें पेरेंटल टाइप्स मिलते हैं, यहाँ पर पेरेंट कैसे थे, एक तो हमारा ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन वाला था, दूसरा हमारा रेड फ्लावर राउंड पोलन वाला। तो
ये तो हमें पेरेंटल यहाँ पे कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो हमें बराबर ही ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेंट्स भी नजर आते, जो कि बाकी दो हमें बता रखे हैं. 1:1:1:1 का रेशियो हो जाता. रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं हमारे, जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर के साथ राउंड पोलन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में तो नहीं था, और रेड फ्लावर के साथ जहां पर लॉन्ग पोलन है, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हो गए. इस तरह के क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार अगर हम चल रहे होते, ये दोनों जीन्स आपस में लिंकेज शो नहीं कर रही होती, तो हमें बराबर बराबर ये चारों फिनोटाइप नजर आते. लेकिन क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया कि यहाँ पे लिंकेज है, तो 1:1:1 के रेशियो के बजाय हमें यहाँ पे 1:7:7:1 का रेशियो मिल रहा है. तो बिल्कुल सही बात है, लिंकेज जब होती है तो हमें यही देखने को मिलता है कि बराबर होने के बजाय ये हमारे पेरेंटल टाइप्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. तो हमें पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम से कम देखने को मिलते हैं लिंकेज के केस में. लेकिन यहाँ पर अगर कंप्लीट लिंकेज होती तो कंप्लीट लिंकेज में ये रिकॉम्बिनेंट जो हमें मिल गए हैं, ये एक एक जो हमें दोनों टाइप का मिल रहा है, ये भी गायब हो जाता. कंप्लीट लिंकेज से तो मतलब है कि सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बिल्कुल जीरो बनेंगे. पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चार तरह का फिनोटाइप जो है उसमें से पेरेंटल टाइप ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, 7-7 बार अपीयर हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिकॉम्बिनेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, पर है वो भी. तो इसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे. है तो लिंकेज ही जिसने रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी इतनी कम कर दी, जो रेशियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार बराबर बराबर होना चाहिए था चारों फिनोटाइप्स का, उसमें कुछ इतने ज्यादा बढ़ गए, कुछ इतने कम हो गए. लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज हो गई, क्योंकि रिकॉम्बिनेंस बिल्कुल ही गायब हो जाते अगर लिंकेज कंप्लीट होती, मगर यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो अपियर हो रहे हैं लेकिन कम फ्रीक्वेंसी में. इनकम्प्लीट लिंकेज का हमारा एग्जाम्पल है. बाकी अगर देखें क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है. हमें जो हमारे क्रॉस में रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आसानी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लिंकेज का केस है. और ये एक वेल नोन बात है कि लठाइरस में यानी स्वीट पी में इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में लिंकेज पाई भी जाती है, पोलन के शेप के और फ्लावर कलर के. तो इनकम्प्लीट लिंकेज ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.